हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग UPPCS 2015 के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर के बारे में। इससे पहले आपको बता दें हम कि UPPCS का नया पैटर्न और नया सिलेबस और 2012, 13, 14 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हम पिछले लेक्चरों में देख चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं 2015 के पेपर की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो याद रखिए, यह है बिम कड़फिसेज, कड़फिसेज। भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए सर्वप्रथम बिम कड़फिसेज ने करवाया। यह शैव मत का अनुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो याद रखिए, यह गुर्जरा में, दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन नामोल्लेख हुआ है। अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवा नाम पिये और देवा नाम पियदस्सी नामक उपाधियों से विभूषित किया गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक द्वारा यह उपाधि ईरानी शासक दारा प्रथम से प्रेरित थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो याद रखिए, यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी के तक रहे। अन्य नाम है इसके देवगुप्त, देवराज और देवश्री, और इसने उपाधियां धारण की विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। चौथा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो ये थे धर्मपाल, बी ऑप्शन सही है। हरस की मृत्यु के बाद भारत में गुर्जर पाल और प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति में पाल एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरे। धर्मपाल महान पाल राजा था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो याद रखिए, इसमें चोल, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा थे। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियां, पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो लगभग 200 वर्षों तक चला। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ। अब हमारा छठवां क्वेश्चन, चंगेज खान का मूल नाम था? तो याद रखिए, इसका नाम था तेमुचिन। चंगेज खान का जन्म 1662 में के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ। उसका वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम था तेमुजिन या तेमुचिन। सातवां क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे? तो याद रखिए, वैष्णव संप्रदाय से, बी ऑप्शन सही है। शंकरदेव मध्यकालीन असम के महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णता केंद्रित था।
एकेश्वरवाद उन इनकी शिक्षाओं का सार है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की हम लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, तो याद रखिए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में, जिसे औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण कहा जाता है, मैं भारत को ब्रिटिश काल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल चीन, याद रखिए केवल चीन और चाय व्यापार के पर एकाधिकार बना रहने दिया गया। और 1833 में कंपनी के समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध कर दिया। नौवां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित हैं। एम के गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। एस सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं। एम के जिन्ना एक खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। एक डी ऑप्शन सही है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अस्सा अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली, मोहम्मद अली को दिया जाता है। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन करने के विरोध में प्रारंभ किया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 10वां क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, ब्योम चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ब्योम चंद्र बनर्जी थे। ए ओ ह्यूम की प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला सम्मेलन बम्बई में 1885 में हुआ। अब बात करते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए हावड़ा षड्यंत्र 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र ये 1924 में नहीं हुआ। डी ऑप्शन सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। 12वां क्वेश्चन है। हमारा 12वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो ये हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। ओरिएंटल आर्ट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर ने की। अगला है 13वां क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1833 सॉरी 1813,
लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। एक गलत है, डी ऑप्शन गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल पूर्व में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामकमल सेन और भवानी चरण मित्रा ने की थी। 14वां क्वेश्चन है हमारा। 1905 क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन संगठित किया गया था, तो याद रखिए महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन सही है। विनायक दामोदर द्वारा स्थापित 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में नासिक महाराष्ट्र में अखिल अभिनव भारत नामक नए नाम व उद्देश्य के साथ परिवर्तित हो गया। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी थीं। 15वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक लॉर्ड कर्जन की रचना है। लॉर्ड कर्जन ने 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल रहे। 16वां क्वेश्चन है हमारा। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी की उपस्थिति गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय में। बी ऑप्शन सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलयान से लंदन पहुंचे। वहां वह कैंग्सले हॉल में ठहरे थे। अब अपना 17वां, बंकिम चंद चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, सन्यासी विद्रोह पर। इसकी व्याख्या की बात करें हम लोग, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद चटर्जी का प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। इस कृति का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। बात करते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो याद रखिए यह स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा की गई है। स्वामी जी सभा के प्रथम अध्यक्ष व सचिव NG रंगा चुने गए। किसानों के प्रति स्वामी जी की समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्राप्त कहा गया है, किसान प्राण कहा गया है। अगला है हमारा 19वां क्वेश्चन। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया 1893 में। संत रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो अमेरिका गए, जहाँ उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपने विस्मरणीय वक्तव्य दिया। 20वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो याद रखिए ये था नागपुर अधिवेशन। ए ऑप्शन सही है, कांग्रेस 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। 1924 का बेलग्राम सम्मेलन सबसे छोटा सम्मेलन है था, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। राजा जनता के लिए बने हैं
जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो याद रखिए ये थे दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन सही है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने यह वक्तव्य दिया था। तो बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो पहला कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। फिर कारण अपना, यमुना नदी असतत वाहिनी नदी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, तो सी ऑप्शन है इसमें, ये सही है परंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यमुना नदी उद्गम स्थल हिमालय के हिमच्छारित श्रृंग बंदर पूंछ के निकट यमुनोत्री हिमानी है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र है 1,41,399 वर्ग मीटर मील। इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियां हैं टॉन्स, हेडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, और दाहिनी तरफ से सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, कैन, सिंध। ध्यातव्य हो कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। 23वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो याद रखिए पश्चिमी घाट। सदाबहार वन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इस प्रकार के वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार का 15% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। अब बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो यह बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक गन्ने की खेती के अंतर्गत भूमि की दृष्टि में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर हैं। अब बात करते हैं हम 25वें क्वेश्चन की। भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा केप कमोरियन के मध्य स्थित है? तो यह कोरोमंडल तट, ये ऑप्शन सही है। कृष्णा डेल्टा व एवं केप कमोरियन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्ड डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरिन कन्याकुमारी तक है। 26वां क्वेश्चन है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश से, ये ऑप्शन सही है इसमें। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और सोयाबीन का आधे से अधिक उत्पादन इसी प्रदेश से देश को प्राप्त होता है। अब 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो यह राजघाट बांध। राजघाट बांध एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश बांध परियोजना है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। अब 28वां, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है तो गोदावरी है, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% आंध्र प्रदेश और 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्राय इसे इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण बेहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। अगला है 29, निम्न में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो याद रखिए यह है इलेक्ट्रॉनिक्स। सी ऑप्शन सही है इसमें, मूल कारक नहीं है। तो
तो सी ऑप्शन है, लेकिन लोहा तथा इस्पात, शर्करा, सीमेंट इनकी आवश्यकता होती है। उपयुक्त चारों विकल्प में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अतिरिक्त लोहा, इस्पात, शर्करा और सीमेंट उद्योग के हेतु कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो है कनाडा, बी ऑप्शन सही है। कनाडा की समुद्र तट रेखा है 2,280 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया की है 25,760 किलोमीटर। ब्राज़ील की है 7,491 और भारत की है 7,600 किलोमीटर। बात करते हैं हम लोग, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी तो यह विलय खोल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो इसमें ये हमारे एस चंद्रशेखर ने, सी ऑप्शन सही है। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोल विद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते, अंततः वे ब्लैक होल कृष्ण छिद बन जाते हैं। अब बात करते हैं 32वां क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बेरेन द्वीप है, डी ऑप्शन सही। बेरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी में के अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं 33वें। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है माउंट कोटोपैक्सी, डी ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी और निष्क्रिय ज्वालामुखी एकांकगुआ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। अब बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अपने ये हैं ज्वालामुखी, वही हैं देश, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सबन काया यह है पेरू में, माउंट एटना यह है इटली, फिर है कोलिमा यह है मैक्सिको, फिर है अपना मेरापी ये है इंडोनेशिया। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। सबन काया ये पेरू में, माउंट एटना इटली, कोलिमा मेक्सिको, मेरापी है इंडोनेशिया। अब बात करते हैं हम लोग 45वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित युगों में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है बिब वायलिंग झील ये डोमिनिका में है, फाइव फ्लोवर झील ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है इसमें। रेड लैंगून बोलीविया में है, फ्रेट स्लेब झील है कनाडा में। इसकी व्याख्या देखते हैं। वायलिंग झील डोमिनिका में है, रेड लैंगून है बोलीविया में और ग्रेट स्लेब झील है कनाडा में, जबकि फाइव फ्लोवर झील चीन में स्थित है। अगली बात करते हैं 36वीं। निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो
ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो याद रखिए बेकाल झील को, ए ऑप्शन सही है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बेकाल झील है, जिसकी गहराई 1637 मीटर। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। 37वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसकी व्याख्या, यूरेनियम की प्राप्ति आर्कियन श्रेणी की चट्टानों पेगमेटाइट, मोनोजाइट, बालू एवं चेरालाइट से होती है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं पिच ब्लैक, ब्लेड फिर सामर स्काइट, थोरो थोरियानाइट। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में, कुल वैश्विक भंडार का लगभग 31%। अगला हमारा 38वां क्वेश्चन है, अड़तीस है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों में कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ज्ञात हो कि बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा 55 से 65% तक होती है। विश्व के चार बॉक्साइट उत्पादक राष्ट्र हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, जमैका। अब 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या की जनांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, तो बी से बी ऑप्शन इसमें है, रहन सहन का स्तर। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, लिंग अनुपात आदि जनसंख्या की जनांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा है, किंतु रहन सहन का स्तर नहीं है। चालीसवां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, इसमें सी ऑप्शन सही है, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक, अब 41वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो ये ए ऑप्शन सही है, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। इसकी व्याख्या देखते हैं, अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और जोतों के आकार में कमी इत्यादि कारक अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर में से गुजर रही है, तो डी ऑप्शन सही है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। इसकी व्याख्या की बात करें, तो किसी देश की जनसंख्या जनांकीय विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरती है, प्रथम अवस्था जन्म व मृत्यु दर दोनों उच्च बने रहते हैं, द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रहती है और मृत्यु दर में गिरावट होती है, तृतीय अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से गिरावट का रुझान प्रकट करते हुए उच्च वृद्धि के दौर से गुजर रही है। बात करते हैं 43वें क्वेश्चन की, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, तो डी ऑप्शन है इसमें उपयुक्त सभी, औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, डी ऑप्शन सही है इसमें। इसकी व्याख्या देखते हैं, नगरीय भारत के विस्तार औद्योगिक विकास, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का एक मंच है। 44वां क्वेश्चन है हमारा, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो याद रखिए बिहार में, बी ऑप्शन सही है, बिहार की जनसंख्या दर थी 61.8%।
अरुणाचल प्रदेश की 65.4%, राजस्थान की है 66.1%, झारखंड की है 66.4%, आंध्र प्रदेश की है 67.0%। 45वां क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। केरल में 94% है साक्षरता, इसमें पुरुष हैं 96.1 और स्त्री हैं 92.1%। इसमें 4 का अंतर है महिलाओं और पुरुषों के बीच स्त्री साक्षरता दर का। उत्तर प्रदेश में 67.7%, पुरुषों में 77.3% और स्त्रियों में 57.2%। 16.1% का अंतर है। मिजोरम की बात करें तो 91.3%, पुरुषों में 93.3% और महिलाओं में 89.3%। इसमें 2.0% की का अंतर है। गुजरात में 78%, जिसमें पुरुषों हैं 85.8% और महिलाएं हैं 79.7%, इसमें 6.1% का अंतर है। अब है हमारा 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त संघ शासन का जनक माना जाता है? तो याद रखिए हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय सुशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882। इसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने का प्रावधान हुआ। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गईं और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित आय के साथ साधन दिए गए। 47वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, लेकिन प्रश्न में चारों विकल्प गलत हैं। फ्रांसीसी और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणाओं में स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया था। इसका प्रभाव अनेक देशों के संविधान और उनके उद्देश्य का प्रस्ताव पर पड़ा। अब बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधारक का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिए डी ऑप्शन है बहुफसली। भूमि भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सिंचाई का निर्धारण, काश्तकारी सुधार। इसकी व्याख्या देख लीजिए, बहुफसली योजना के अंतर्गत काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है। अगला 49 है हमारा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह सी, यह विधिक अधिकार है। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है कि जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है, परंतु फिर भी यह अधिकार विचार और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में दी गई है। मई 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 संसद ने पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। सूचना का अधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 2(j) के तहत अधिनियमित है। अब बात करते हैं हम लोग 50वें क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों के हेतु परामर्श देता है। तो बी ऑप्शन सही है, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। संविधान के अनुच्छेद 40
राज्यों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। 51 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 20 और 21। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 विदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित होता है तो अनुच्छेद 21 20 के साथ साथ अनुच्छेद 19 भी मान्य रहता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 52 की, 52। इसमें भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? तो सी ऑप्शन सही है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 53वां क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में प्रावधान है और सूची 2 में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या है। तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन सही है, विधि के सम्मुख समानता। तो यह है अनुच्छेद 14 में, कार्य करने का अधिकार। तो यह है अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। तो यह अनुच्छेद 42, और बच्चों के लिए मुक्त अथवा अनिवार्य शिक्षा। तो यह है 45 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में, कार्य के करने का अधिकार तो अनुच्छेद 41, कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियां तो अनुच्छेद 42, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशवपूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं 54वें क्वेश्चन की, संसद के सदस्यों की निर्धारताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो याद रखिए बी है, भारत के निर्वाचन आयोग की। 54 की व्याख्या देख लेते हैं, संसद के सदस्यों की निर्धारताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। अब बात करते हैं हम लोग 55वें क्वेश्चन की, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो बी ऑप्शन है, यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का गठन 200 अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। बात करते हैं 56वें क्वेश्चन की, अनुच्छेद कथन ए और कारण आर। तो कथन ए को देखते हैं, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर अपना कारण आर है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग,
संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया की संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की उच्चतम विधायी संस्था है। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण बिल्कुल सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सॉरी यह गलती नहीं करता है ये में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 57 क्वेश्चन की। एक कथन ए है और कारण आ रहे हैं। तो कथन ए को देखते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। फिर है कारण, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब बात इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बेहद लिखित संविधान है। इसमें सत्यहित मूल अधिकारों की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय के का संगठन एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं हम लोग 58 क्वेश्चन की। तो किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अब बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। हमारा है 59। निम्नलिखित में कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकारिया आयोग समिति, राज मन्ना राय समिति और पुंछी आयोग संबंधित भारत में संघ और राज्य संबंध से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। केंद्र राज्य, इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया जो इस प्रकार है, शीतलवाड़ समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 69 में आए, राजमन्ना आयोग 22 सितंबर 1969 में, सरकारिया आयोग 24 मार्च 1983, एम पुंछी आयोग 27 अप्रैल 2007। जबकि 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से था। 60वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों की में सुनवाई करने का अधिकार होगा? तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानून मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसे अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है। 61वां हमारा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो याद रखिए ये ऑप्शन है, पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संविधानिक आधार प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब बात करते हैं 61-62 क्वेश्चन की हम लोग। तो 62वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो याद रखिए सी ऑप्शन है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु संबंधित राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 243 आई के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग राज्य का गठन करता है। अगला है हमारा 63 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिए यह 51 ए, बी ऑप्शन सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इन्हें अनुच्छेद 51 ए में शामिल किया गया जो भाग 4 ए का एकमात्र अनुच्छेद है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या
ग्यारह है, 86वीं संविधान संशोधन 2000 के पश्चात हो गई है। मूल कर्तव्यों की अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। 64वां क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया, तो याद रखिए मार्च 2014 में। आंध्र प्रदेश बिल पुनर्गठन बिल 2014 मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित की तथा हस्ताक्षरित किया गया। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दो राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है। इसका बिल लोकसभा में 18 फरवरी 2014 तथा राज्यसभा में 20 फरवरी 2014 को पास किया गया है। अब बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की हम, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो याद रखिए 2008 में, सी ऑप्शन सही है। संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में संसद द्वारा पारित किया गया। इसे 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब 66वां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों को अधिकार के निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, ये ऑप्शन सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित हुआ। अब बात करते हैं हम लोग 67वें क्वेश्चन की, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो याद रखिए 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। 68वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो याद रखिए अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्रवाई आवश्यक है। चलिए तो अब हमारा है 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, कृषि। कृषि खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र हैं, विनिर्माण औद्योगिक आदि द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है माने जाते हैं, होटल बीमा सॉफ्टवेयर आदि सेवा क्षेत्र अथवा तृतीयक क्षेत्र का माने जाते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी स्थापित चिप बनाने की सुविधा आदि को चतुर्थ क्षेत्र का नाम दिया गया जाता है। अब है हमारा 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता है इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। अगला है हमारा 71वां क्वेश्चन, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो याद रखिए उपयुक्त सभी है इसमें, डी ऑप्शन सही है, संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कुशलता में विकास, उत्पादकता में वृद्धि तथा संसाधनों का समुचित उपयोग उपयुक्त सभी को मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। अब 72 क्वेश्चन है हमारा, 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी, तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, 52.9%। भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में महिलाओं की भागीदारी 52.9% थी। राज्यों के संदर्भ में केरल सर्वाधिक 93.4% है। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है, तो याद रखिए ग्रामीण सफाई नहीं है, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, ग्रामीण सड़कें,
भारत निर्माण का अंग है, ग्रामीण सफाई नहीं है। भारत निर्माण के तहत गांव में कार्यवाही के क्षेत्र में प्रस्तावित है सिंचाई, सड़क, निर्धन आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, दूर संचार संपर्क। 74वां हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति नई व्यू रचना का परिणाम है कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, 7वें दशक के दौरान। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में माना जाता है। भारत में इस क्रांति के जनक हैं कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। केंद्रीय और कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। 75वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी, तो याद रखिए ए ऑप्शन है इसमें, तिलहन, गेहूं, चावल, दालें थी, तिलहन थी नहीं थी। वर्ष 2007-08 में रबी की मौसम में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके चावल, गेहूं, दाल के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करना था। अगला हमारा, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था, सॉरी, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो याद रखिए नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के आने के बाद। योजना आयोग के अंत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होगा, इसके उपाध्यक्ष होंगे अर्थशास्त्री अरविंद फंगड़िया बनाए गए। अगली बात करते हैं हम लोग 72वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है, तो याद रखिए नाबार्ड, RRB करता है, व्यवहारिक बैंक करता है, व्यापारिक बैंक, सहकारिता बैंक। इसकी व्याख्या देते हैं, कृषि संबंधित क्षेत्रों में को दिए जाने वाले वाले ऋण में वृद्धि की सहायता हेतु 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम के द्वारा कृषि ग्रामीण विकास कार विकास राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। यह कृषि वृद्धि में लघु एवं कुटीर उद्योग, गृह ग्राम उद्योग, ग्रामीण कलाओं तथा ग्राम में चलने वाली अन्य संबंध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु एक सर्वोच्च संस्था है। यह बैंक स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। तो 78वां क्वेश्चन है हमारा, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में कार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है, उत्तल दर्पण। उत्तल या उत्तरोत्तर दर अभिसारी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधे वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग वाहनों के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं 79वें क्वेश्चन की, CFL का पूर्ण रूप है, तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है, कॉम्पैक्ट फ्लोरीसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरीसेंट लैम्प CFL एक प्रकार का फ्लोरीसेंट लैम्प है। इससे विद्युत ऊर्जा की बचत होती है और कम ऊर्जा व्यय को अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। तो अब 80वां क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं 81वें क्वेश्चन की, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, ए ऑप्शन सही है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है, इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर
उबलता है, फलता है, इसमें ऊष्मा अधिक होती है, यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। 82वां क्वेश्चन है हमारा, त्रिकास के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबंध बनेगा, तो याद रखिए अनंत पर। दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य यदि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। 83वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए पॉली कार्बोनेट। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉली कार्बोनेट, थार्मो प्लास्टिक या लेमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में होता है। चलिए 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐतिहासिक रूप से आयल ऑयल ऑफ बेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। घरों में स्वच्छता कार्यों के लिए एवं उर्वरक और रसायन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित योगमों में कौन सही सम्मिलित है, तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, ओजोन रिक्तता चरम कैंसर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ओजोन परत मुक्ता समता मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है रहती है, परंतु इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत के अवक्षय के परिणाम स्वरूप परावैगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे मानव एवं पशुओं में त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैलती हैं। अब बात करते हैं 86वें क्वेश्चन की, बहुलक निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाले वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, तो याद रखिए टेफ्लॉन का, ये ऑप्शन सही है। टेफ्लॉन एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, इस पर ऊष्मा अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, यही विद्युत धारा का कुचालक है। इसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण के साथ विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य विलायक और प्लास्टिक निर्माण में होता है। अब बात करते हैं हम लोग 87वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में किससे गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है, किसने, तो याद रखिए सीवी देसाई ने, सी ऑप्शन सही है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर SB देसाई ने किया। गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन व अपशिष्ट निर्माण की पर्यावरण मित्र तकनीक की है। इसके उपयोग से ग्रामीण ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाता है। ज्ञातव्य हो कि प्रश्न में SB देसाई के स्थान पर CV देसाई छप गया है, तो SB देसाई थे, ठीक है। चलिए अब 88वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है, याद रखिए नहीं है पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन है रियान रूपांतरित स्टार्च नहीं है। ऊन एक प्रोटीन है, सही है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। होलरिन कार्बन का एक अपर रूप है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, रियान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, इसलिए वास्तव में यह ना तो पूरी तरह से एक कृत्रिम तंतु है और ना ही प्राकृतिक तंतु है, अतः यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे विस्कोस रियान या कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं 89वें क्वेश्चन की, प्याज और किस छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, तो याद रखिए सल्फेनिक अम्ल, बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, ध्यातव्य हो कि प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है, यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फोक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्याज में पाए जाने वाला सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ होता है, तो याद रखिए सिलिकॉन, बी ऑप्शन सही।
कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के आधार पर आदेशों आवेशों का संचालन होता है। 91वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का रक्त का कार्य है, तो याद रखिए ये ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण ही होता है। अब बात करते हैं 92वां क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक है और ये सूची दो है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। विटामिन स्कर्वी, फोलिक अम्ल, रक्तल्प, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी वेरी वेरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन सी, तो ये है स्कर्वी से संबंध रोग से। फोलिक अम्ल रक्तल्पता, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी वेरी वेरी रोग। अब 93वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए ये आयोडीन है, डी ऑप्शन है इसमें। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन आवश्यक है, आयोडीन नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आयोडीन के अतिरिक्त कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम नामक पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 94वें क्वेश्चन की। कोलेकैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो विटामिन डी, बी ऑप्शन सही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल है। विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। बात करते हैं हम लोग 95वें क्वेश्चन की। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखिए कीटों से, डी ऑप्शन सही है। फेरोमोन सामान्यतः कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसकी गंध के आधार पर कीट, चींटियां आदि अपना मार्ग पहचानती हैं। अब बात करते हैं हम लोग 96वें क्वेश्चन की। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो याद रखिए दुग्ध उत्पादन से, बी ऑप्शन सही है। श्वेत क्रांति भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। वर्तमान में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं 97वें क्वेश्चन की। हरित क्रांति संबंधित थी, तो याद रखिए गेहूं से। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बॉरलॉग को जाता है। हरित क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित थी। इस क्रांति के प्रभाव गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसलों पर दिखाई पड़ता है। ज्ञातव्य है कि खाद्यान्नों का उत्पादन 1951 से 61 के दशक में 17 मिलियन टन से बढ़कर 1966 से 76 के दशक में 49 मिलियन टन हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग 98वें क्वेश्चन की। सीएनजी है, तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है, कंपेस्ट नेचुरल गैस। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या देखते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस का वाहन चालन में प्रयोग हेतु 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की भांति सीएनजी के अव या मैथेन, ईथेन और प्रोपेन है। प्राकृतिक गैस की तरह यह भी रंगीन, गंधहीन और विषहीन होती है। इसमें मैथेन की मात्रा 75 से 98% होती है। इसका 200 से 220 बार यानी 20 से 20 मेगा पास्कल के सिलेंडरों में भंडारित किया जाता है। अब बात करते हैं 99वां क्वेश्चन। WWW का पूर्ण रूप है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, सी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा व्याप्त करने की प्रणाली है। इस प्रणाली के प्रवर्तक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर टिम वर्नर्सली थे। बात करते हैं 100वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन
शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। तो याद रखिए बायो संयंत्र सी ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संघटक मैथेन कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें लगभग 65% मैथेन होती है। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थों में नाइट्रोजन फॉस्फोरस के कई यौगिक रहते हैं, अतः अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। 100वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में कौन सी बायो डीजल की फसल है? तो याद रखिए जेट्रोफा, रतनजोत जंगली एरंडी, बंगरेड जेट्रोफा के हिंदी नाम है। इसके बीजों में तेल की मात्रा बहुत अधिक है। 1.05 किलोग्राम जेट्रोफा तेल से 1 किलोग्राम बायोडीजल पैदा होता है। जेट्रोफा का तेल बिना रिफाइंड किए हुए भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब हमारा 62वां क्वेश्चन 102वां सॉरी क्वेश्चन है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मैथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस ग्लास अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब 103वें क्वेश्चन की बात करें हम। निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? तो याद रखिए सी ऑप्शन है, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र से सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में एजी ट्रांसले द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई। हरे पौधे को यह पारिस्थितिकी तंत्र का आधार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना हो। चिपकू आंदोलन के बारे में बात करें तो चिपकू आंदोलन से संबंधित थे। तो याद रखिए पादप संरक्षण से। चिपकू आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के में सन 1973 में हुआ। किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपकू आंदोलन का उद्घोष वाक्य था, है क्या जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के अधिकार। 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं 105वें क्वेश्चन की। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरद्वीप 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। यह भारत की जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12-22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी हिमालय भी जैव विविधता का क्षेत्र है। अब बात करते हैं 106वें क्वेश्चन की। 106वें क्वेश्चन की है हमारा, जैव विविधता को कम होने का मुख्य कारण है? तो याद रखिए आवासीय विनाश, डी ऑप्शन है इसमें। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आवास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। 107वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, सौर ऊर्जा, सौर सेल। बात करते हैं इसकी व्याख्या की, 107वें क्वेश्चन की व्याख्या। नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के खतरे हैं, किंतु सौर ऊर्जा का उपयोग पूर्णतः स्वच्छ एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला है। बात करते हैं हम लोग 108वें क्वेश्चन के। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये राष्ट्रीय पार्क है और ये हमारे राज्य हैं, ठीक है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, दाचीग्राम, ये राजस्थान में, सॉरी दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। पापी कोंडा ये आंध्र प्रदेश। रसिका ये राजस्थान। बांदीपुर कर्नाटक। इसकी व्याख्या देखते हैं, दाचीग्राम है जम्मू कश्मीर, पापी कोंडा है आंध्र प्रदेश, रसिका है शरीर इसका है राजस्थान, बांदीपुर है कर्नाटक। अब 109वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो याद रखिए, यह पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में ई ओ विल्सन ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन का आधारभूत कारण जैव विविधता है। अब बात करते हैं 110वें क्वेश्चन की हम लोग। निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो याद रखिए लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन शब्द का प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफेस्टस ने किया। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर ये नहीं उगते हैं। अब बात करते हैं 111वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो या रखे तो याद रखिए डी ऑप्शन है अतुल गुप्ता। श्री अतुल गुप्ता उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 112वां क्वेश्चन हमारा। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है, तो रामपुर में। डी ऑप्शन सही है। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय रामपुर में खुलने के लिए प्रस्तावित है। भारत तथा विश्व पूरी तरह से फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित पहला विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित है। अब बात करते हैं हम लोग 113वीं क्वेश्चन की। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है, तो याद रखिए कोयला आवंटन वाद। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को केंद्र सरकार का पिंजराबंद तोता कहा। अब बात करते हैं 114वें क्वेश्चन की। एशिया की धुरी विदेश नीति करनीति है, तो याद रखिए यूएसए की। एशिया की धुरी अथवा पिवोट एशिया पॉलिसी संयुक्त राज्य अमेरिका की एशियाई रणनीति का आधार है। इसमें चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को संतुलित करने के लिए जापान भारत आदि आदि देशों की अहम भूमिका है। अब बात करते हैं 115वें क्वेश्चन की। सितंबर 2014 में भारत यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सर्वप्रथम गए थे, तो याद रखिए अहमदाबाद। ए ऑप्शन सही है। सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहमदाबाद से अपनी यात्रा प्रारंभ की। ऐसा कर उन्होंने भारत के साथ संबंधों में नई ऊंचाई पर ले जाने की इच्छा का प्रदर्शन किया। अहमदाबाद यात्रा में प्रधानमंत्री और चीनी यात्री के बीच बेहतर संबंधों का एक रूप स्विंग डिप्लोमेसी भी चर्चा में है। अब बात करते हैं 116वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसको 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नवंबर 2014 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त किया गया है, तो याद रखिए ये हैं केदारनाथ सिंह। डी ऑप्शन सही है। 116 की व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 2014 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा केदारनाथ सिंह को उनकी कृति अकाल में सारस के लिए दिया गया। अब बात करते हैं 117वें क्वेश्चन की। फरवरी 2015 में जारी किए गए वीडियो के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक अवैध वायुयान चालक को जिंदा जला दिया गया जो संबंधित था, तो याद रखिए जॉर्डन से। ये ऑप्शन सही है। फरवरी 2015 में जारी किए गए एक वीडियो के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने जॉर्डन देश के एक अवैध वायुयान के चालक को जिंदा जला दिया। 118वां क्वेश्चन है। 18वां दक्षेत्र सार सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2014 को आयोजित किया गया था, तो याद रखिए काठमांडू में। बी ऑप्शन सही है। 18वें दक्षिण सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2014 को काठमांडू में आयोजित किया गया। सार्क की स्थापना 1985 में दक्षिण एशिया में शांति सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 119वां क्वेश्चन है हमारा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 2014 में ओलावृष्टि में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ है, तो याद रखिए महाराष्ट्र। सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र राज्य सन 2014 में ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। कपास गन्ना सब्जियों और फलों के उत्पादन में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। बात करते हैं 120वें क्वेश्चन की। हाल ही में समाचारों में चर्चित पत्रिका चार्ली आब्दो प्रकाशित होती है, चार्ली आब्दो, तो डी ऑप्शन है फ्रांस से। चार्ली आब्दो पत्रिका धर्म विषय से संबंधित कार्टूनों को छापने के कारण कट्टरपंथियों के आक्रोश का शिकार बनी है। फ्रांस में इसके मुख्यालय पर आतंकी हमला भी हुआ है। अब बात करते हैं 121वें क्वेश्चन की। सलमान
रसदी कहाली में 2015 का उपन्यास है, तो याद रखिए 2 years at months and 28 nights। सलमान रश्दी का हाल ही में प्रकाशित उपन्यास नाम है 2 years at months and 28 nights। इसके अन्य उपन्यास शालीमार द क्वाइन वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ, जबकि फ्यूरी तो वर्ष 2001 में प्रकाशित हुआ था। बात करते हैं हम लोग 122वें क्वेश्चन की। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में 69वें सत्र में न्यूयॉर्क में हिंदी उद्घोषण बोधन किया है, तो याद रखिए ये 27 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के 69वें सत्र में न्यूयॉर्क में हिंदी में उद्बोधन दिनांक 27 सितंबर 2014 को किया। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन हिंदी में किया। वे इस महासभा के उद्घाटन सत्र को हिंदी में संबोधित करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए, पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब बात करते हैं 123वें क्वेश्चन की हम लोग। निम्नलिखित में किसने चीन को चेतावनी दी है कि वह वियतनाम और फिलीपींस जैसे छोटे देशों को सागर संबंधी मुद्दों पर धमकी ना दे, तो याद रखिए बराक ओबामा, सी ऑप्शन चाहिए। बराक ओबामा ने चीन को चेतावनी दी कि वह वियतनाम फिलीपींस जैसे छोटे देशों को सागर संबंधी मुद्दों पर धमकी ना दे, साथ ही साथ मतभेदों को शांतिपूर्ण हल निकाले। 124वां, निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 के लिए प्रदान किया गया, तो याद रखिए यह रमेश चंद साय, ये ऑप्शन सही है। विनायक उपन्यास के लिए 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ कथाकार कवि एवं निबंधकार रमेश साय को दिया गया, जबकि दूधनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार दिया गया। मैत्री पुष्पा महिला लेखिका हैं। 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको अभी हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक शस्त्र के रूप में उपयोग किया गया है, तो याद रखिए यह सारिन गैस, डी ऑप्शन सही है। सारिन गैस को अभी हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक शस्त्र के रूप में उपयोग किया गया। यह एक रंगहीन व गंधहीन जहरीली गैस है जिसके संपर्क में आने से 1 से 10 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं 126वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित देशों में किस देश में फीफा विश्व कप 2014 खेले गए थे, तो याद रखिए यह ब्राज़ील, सी ऑप्शन सही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप मैच 12 जून से 13 जुलाई मध्य ब्राज़ील के 12 शहरों में संपन्न हुआ। फुटबॉल विश्व कप के इस 20वें संस्करण का विजेता रहा है जर्मनी। अब बात करते हैं हम लोग 127वें क्वेश्चन की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 देशों को डॉन बेचने की स्वीकृति दी है, निम्नलिखित देशों में कौन उस सूची में नहीं है, तो याद रखिए सिंगापुर नहीं है, मलेशिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात है। ओबामा प्रशासन द्वारा जारी की गई फरवरी 2015 में नई नीति के अनुसार 4 देशों को डॉन बेचने की स्वीकृति प्रदान की। इन 4 देशों में सिंगापुर सम्मिलित नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लोग 128वें क्वेश्चन की। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है, तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन गलत है। इसे कहीं से भी पिच्छेवित किया जा सकता है, यह दुश्मनों के लड़ाई की पहुंच से बाहर रहेगी, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। ए सी डी सही है, बी ऑप्शन। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है पूछ रहा, तो याद रखिए डी ऑप्शन है, इसमें यह पूर्णतः विदेशी नहीं है। सही है इसमें एक ए भी सही है, बी भी और सी, तो इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, ये भी सही है। और इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, ये भी सही है। यह दुश्मनों से की रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, ये भी सही है। डी ऑप्शन गलत है, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ये गलत है। अग्नि 5 मिसाइल को सत्ता है और आकाश दोनों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। यह दुश्मनों के रडार को पहुंच से बाहर आ गई, यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक है, याद रखिए। 129वां क्वेश्चन हमारा 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे दक्षिण सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया है, तो याद रखिए यह बामियान अफगानिस्तान के। 24 से 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित सार्क सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में दिल्ली संकल्प के तहत बामियान अफगानिस्तान को वर्ष 2015-16 के लिए दक्षिण क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया है। अब बात करते हैं 130वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित राज्यों में से
किस राज्य ने संसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है? तो याद रखिए गुजरात में, ये ऑप्शन सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए गुजरात राज्य ने विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है। अब बात करते हैं 131वें क्वेश्चन की हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या है? तो याद रखिए 15, बी ऑप्शन सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या 15 है। अब बात करते हैं हम लोग 132वें क्वेश्चन की। भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो याद रखिए 5 नवंबर 2013 को। मंगलयान औपचारिक नाम है मंगल कक्षित मिशन, भारत का प्रथम मंगल अभियान है। इस परियोजना को 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। 133वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित जिलों में किसका अचानक विस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी के तुरंत बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक कारण था? तो याद रखिए चोरावारी झील। चोरावारी झील का अचानक विस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की तुरंत बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक कारक था। बात करते हैं हम लोग 134वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो याद रखिए चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। चंद्रशेखर भारत के निचले सदन लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने यहाँ समाजवादी जनता पार्टी का नेतृत्व किया। 1977 से उन्होंने लोकसभा का निर्वाचन 8 बार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले क्षेत्र से जीता। उन्होंने 1984 में एक ही बार चुनाव हारा था। अब बात करते हैं 135वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो याद रखिए पी ए संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक था। GMC वाल योगी दूसरे जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। अब बात करते हैं हम लोग 136वें क्वेश्चन की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो 25 जनवरी को, बी ऑप्शन सही है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है 137वां, निम्नलिखित में युग्म में कौन सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है तो याद रखिए औद्योगिक वित्त सिडबी, ये सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारतीय निर्माण, ये भी सही है। ग्रामीण साख नाबार्ड, ये भी गलत सही है। ग्रामीण रोजगार AJSR, ये गलत है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नाम से यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 दिसंबर 1997 से प्रारंभ की गई। अब 138वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गोमे में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए जनश्री बीमा योजना 2000 में शुरू की गई थी, ये सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, ये भी सही है। MG NREGA 2003 में, ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है। आम आदमी बीमा योजना 2007 में शुरू की गई थी, ये भी सही है। महात्मा गांधी नरेगा संबंधी विधेयक 2005 में संसद में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं 139वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा वर्ष सर्व शिक्षा अभियान से नामांकित होने योग्य है? तो याद रखिए 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2001 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। अब बात करते हैं 140वें क्वेश्चन की। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है? तो याद रखिए भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण
अवसंरचना का विकास है। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवास का निर्माण शामिल है। बात करते हैं 141 की, एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए, ग्रामीण गरीब में गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, ये सही है, और श्रमिकों की रोज सौदेबाजी शक्ति में कमी, ये गलत है, और फिर शहरों की तरह प्रवासी में कमी, ये भी सही है। तो याद रखिए 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एमजी नरेगा के ग्रामीण क्षेत्र व उसकी जनसंख्या पर पड़े सकारात्मक परिणामों की बात करें तो 2 तथ्य ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवास में कमी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। 142वां क्वेश्चन है, 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 में आयोजित हुई थी, तो याद रखिए मुंबई में, सी ऑप्शन सही है। 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। बात करते हैं 143वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में सही सम्मिलित पूछ रहा है, याद रखिए तो बी ऑप्शन है इसमें, खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये सही है, बाकी गलत है तीनों। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948 नामक पुस्तक में पाकिस्तान के निर्माण में भारतीय मुसलमानों के अलगाववादी आंदोलन का ऐतिहासिक विश्लेषण है किया गया। इसके लेखक हैं हजारा विश्वविद्यालय मानसेहरा के राजनीतिक विज्ञान विभाग में प्राध्यापक खलीद बिन सईद। यह पुस्तक 2012 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची द्वारा प्रकाशित की गई। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया और मॉडर्न इन इस्लाम इंडिया इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक क्रमशः डॉक्टर पीटर हार्डी और विलकेड कांटवेल स्मिथ हैं। अब बात करते हैं हम लोग 144वें क्वेश्चन की, हाली पद्धति संबंधित है, तो याद रखिए बंधुआ मजदूर से, बंधुआ ये ऑप्शन सही है, बंधुआ मजदूर पद्धति या व्यवस्था को हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों या यथा बेगार शगरी हाली नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं 145वें क्वेश्चन की, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सूची 1 है सूची 2, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, खनिज समाप्त होने युग, सौर ऊर्जा असमाप्त होने युग, बायोगैस, मैथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वन और अपरोपण वर्षा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक खनिज समाप्त होने युग हैं, सौर ऊर्जा असमाप्त होने युग, बायोगैस, मैथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वन अपरोपण है वर्षा से संबंधित। अब 146 क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है, तो याद रखिए क्यू इंग्लैंड में, रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है, यह 300 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है। अब बात करते हैं 147वें क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए 16 सितंबर को, ए ऑप्शन सही है, 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 148वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है इसमें, एडियाटिक सागर की रानी, ये हमारा सम्मिलित नहीं है पूछा है ना, और बी ऑप्शन को देखते हैं, लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस से संबंधित, ये सही है हमारा, वेस्ट मिडलैंड बर्मिंगम, ये सही है, टोलारूस ये भी सही है, ए ऑप्शन सही नहीं है। इटली में स्थित वेनिस शहर को एडियाटिक सागर की रानी कहा जाता है, विकल्प ये सही उत्तर है, मतलब गलत पूछा था इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं हम लोग 149 क्वेश्चन की, निम्नलिखित विजातियों वर्ग में से किसको उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है, तो याद रखिए मंगोलाइड, सी ऑप्शन सही है, उत्तर अमेरिका के मूल निवासी अमेरिकी इंडियन उत्तर दक्षिण अमेरिका के प्राचीन निवासी हैं, ये मंगोलाइड प्रजाति की एक शाखा माने जाते हैं। नए शास्त्रियों का अनुमान है कि वे इस भूखंड पर 20,000 से 15,000 वर्ष पूर्व आए थे। अब 150वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है,
तो याद रखिए कोरिया को, दक्षिण कोरिया नामक देश को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। कोरिया सुदूर पूर्व कांग है, कोरिया की राजधानी सेओल है। चलिए, तो ये था 2015 का पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर।